दोस्तों आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में बताएंगे जो कि कई देशों में बैन हो चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है डॉगो अर्जेंटिनो। सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक डॉगो अर्जेंटिनो यूके और कई कंट्रीज में बैन है। ये कुत्ता पुराने समय में शिकार के लिए रखा जाता था। ये कुत्ता स्वभाव से ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इसे पालना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। ये कुत्ता कितना ज्यादा खतरनाक होता है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये कुत्ता पहले के समय में जंगली सुअर का शिकार करता था। नंबर 4 पे आता है डॉबरमैन। अगर आप डॉबरमैन के आसपास हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते हैं और खतरे की भनक पर ही हमला कर देते हैं। ये कुत्ते शरीर से काफी ज्यादा मस्कुलर और फुर्तीले होते हैं, जिससे ये किसी पर भी अटैक पलक झपकने से पहले ही कर देते हैं। नंबर 3 पे आते हैं रॉटवेलर। रॉटवेलर आपको जैसे कि फोटो में दिखाई दे रहा है उससे कई ज्यादा गुना खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुत्ते के दांत और शरीर सभी कुत्तों के नस्लों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये कुत्ता किसी भी चीज को एक बार अपने जबड़े में पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं है। अकेले अमेरिका में रॉटवेलर की वजह से 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग अभी भी इन्हें पालते हैं। नंबर 2 पे आता है जापानी टोसा। इन कुत्तों को जापान में पुराने समय में खूनी खेलों में लड़ाया जाता था, इसकी वजह इनका आक्रामक रूप है। इस वजह से इन कुत्तों को पालना कोई आसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। इन कुत्तों को यूके और आयरलैंड जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। ये कुत्ता कई किलो मांस एक बार में खा जाता है, जिसकी वजह से इन कुत्तों का रख रखाव काफी ज्यादा खर्चीला होता है। नंबर 1 पे आता है पिटबुल। दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने के लिए मशहूर पिटबुल है। इसका नाम पिटबुल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे पिट में उतार के लड़ाया जाता था। ये शिकार और वॉच डॉग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। पिटबुल की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन लोग अभी भी कई जगहों पे इन्हें पालते हैं।